संजीव बालियान का उन्हीं के गृह जनपद में जमकर विरोध हुआ शामली में, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे थे किसानों को समझाने के लिए, लेकिन यहां पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का ही जमकर विरोध होने लगा। ग्रामीणों ने कहा कि आप गांव प्रवेश न कीजिए। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये शामली के भैंसवाल गाँव की है। ये किसानों का बहुत ही मजबूत गढ़ के रूप में माना जाता है, यानी अपने ही इलाके में संजीव बालियान बुरी तरह से घिर गए, यानी बुरे फंसे। जाति राज मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, भूपेंद्र जी, आप शामली में गांव गांव पंचायत लगाकर किसानों से वार्ता कर रहे हैं, किस तरह की? हाँ, किसानों से बात कर रहे हैं, अपने परिवार के लोगों में हम लोग आते रहे हैं, अब भी आए हैं, और जो परिस्थिति है किसानों के हित में, जो सरकार कानून लेकर आई है, जब किसानों के बीच में आते हैं तो उसकी चर्चा होती है, और उनके जो जो चीज़ें उनके हित में है, पूरा कानून ये उसकी चर्चा लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं। आप चौधरी देखिए, अपनी बात उन तक पहुंचाने का प्रयास है, और उनकी बात कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व तक पहुँचाएंगे। जो कुछ भ्रांतियाँ हैं बिल के बारे में, उनके संबंध में भी बात कहीं ना कहीं हो रही है, और उनकी फीडबैक भी लेने का प्रयास कर रहे हैं। और जो वैसे तो किसानों के बीच में लगातार जाना आना रहता ही है, लेकिन थोड़ा सा कुछ पार्टी की तरफ से भी था कि बीच में जाकर अपनी बातें क्लियर की जाए। अब अगर किसी राजनीतिक पार्टी के 10 से 15 व्यक्ति, शायद भाजपा के, लोकदल के, सपा के, हर गांव में कुछ न कुछ पार्टी के लोग होते हैं, तो उसे अगर आप कहें कि मैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाऊँ तो ये संभव नहीं है। और दूसरे हैं तो खिलाफ तो रहेंगे साहब, हर गाँव में हर पार्टी राजनीतिक दल के व्यक्ति होते हैं।